लाहट में अपनी वो विचारधारा निकाल दे रहे हैं जिसे ये छुपा हुआ एजेंडा बना के आज तक चला गए थे। अब वो एजेंडा हिंदू समझने लग गया है, वो जानता है जय श्री राम। आप कहता हो आप उसने दुकान बंद करवाया, अरे 15 दिन बीत जाने दो, चुनाव आने दो, फिर ये हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए राम के मंदिर में भी जाएगी, दुर्गा पूजा में भी जाएगी, सरस्वती पूजा जो इसने पिछले साल बंद करवा दिया था, इन दोगरे हिंदुओं को दोबारा भरमाने के लिए, मूर्ख हिंदुओं को बरगलाने के लिए पुनः उस मंदिरों में जाके बैठ रही है। क्यों? क्योंकि ये 5 साल का इसको मौका और चाहिए। जो रोहिंग्या घुसी आए हैं, जो बांग्लादेशी घुसी आए हैं, जिनके आधार कार्ड वोटर कार्ड अभी तक बन नहीं पाए हैं, 5 साल में ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट घोषित ना कर दे तो जिस थाली में कुत्ता खाता है मदन लाल हिंदुस्तानी उसमें खाना पसंद करेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ जो नेहरू की मानसिकता थी, जो एक कुत्ते राहुल की मानसिकता है, एक दारू बेचने वाली सोनिया माइनो की मानसिकता है, वो मानसिकता सब इकट्ठी हो गई है। आज हिंदू नहीं जागा तो भविष्य उसे पुनः मौका नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। बंगाल में अलग ही हिंदू विरोधी माहौल बना हुआ है इस वक्त। एक दुकानदार की दुकान सिर्फ इसलिए तोड़ फोड़ दी गई क्योंकि उसने बाहर राम का झंडा लगा रहा था, राम भगवान का झंडा लगा रखा था, और उसके बाद उससे कहा गया कि पार्टी से, ममता बनर्जी की पार्टी से आकर माफी मांगे। इस पर चर्चा करेंगे हिंदू महासभा से मदन लाल गुप्ता हिंदुस्तानी से, और आपको बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं और आखिरकार बंगाल में राम भगवान का नाम लेने से, जय श्री राम बोलने से क्या दिक्कत हो रही है ममता बनर्जी की पार्टी की और पार्टी को और वहाँ के लोगों को। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को कि एक दुकानदार की दुकान सिर्फ इसलिए तोड़ फोड़ दी गई क्योंकि उसने राम भगवान का झंडा लगा रखा था अपनी दुकान के बाहर? ये ममता बानो एक इस्लामिक विचारधारा की है। 14 साल 15 साल की उम्र में ही इसने इस्लाम कबूल कर लिया, और जो इस्लाम कबूल कर लेता है, हमारे में कहावत है नई नई मियानी अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारती है, तो ये राम को ना मान के अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। ये आज एक नई परिस्थिति नहीं आई है, ये बंगाल में आजादी के बाद से ही चल रहा है, लेकिन अब इनका विनष्ट होने का समय आ गया है क्योंकि मोदी जी अवतरण हो चुके हैं। तो विनाशकारी विपरीत बुद्धि जो इनकी गंदगी मानसिकता थी वो खुद इनके अंदर से निकल के हिंदुओं को जगाने के लिए आ गई है। आज वो भड़वा हिंदू जो ममता को वोट देता है वो हिंदू नहीं हो सकता। जो अपने आराध्य को नाम मानने वाली के साथ खड़ा हो जाता है वो केवल चापलूस है। 1000 साल की गुलामी मानसिकता ने उसे इस आकंठ डुबा दिया है कि वह केवल 2 पैसों के लालच के लिए ममता जैसे कुल्टा, ममता जैसे गंद, जिसने शादी तो नहीं किया लेकिन हजारों घर बर्बाद कर दिए, ये वही ममता है ना जो हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व का पाखंड करके बंगाल के धरती पर आई थी। आज रोहिंग्या को बसा दिया, मुसलमानों को बसा दिया। क्यों बसा दिया? क्योंकि यह स्वयं मुसलमान है। आज बंगाल में 30% मुसलमान नहीं, 50% है रोहिंग्या लोग। अपनी वोट नहीं बनाते क्योंकि उन्हें जानते हैं कि जिस दिन हम 50% हो जाएंगे बंगाल को कश्मीर बना देंगे। तो ये उनकी जिहादी मानसिकता है ममता बानो जैसियों की, जिनके नाम पे हिंदुओं को थूकना भी नहीं चाहिए। आज एक इस्लामिक आदमी आके चिल्लाता है कि ये जेहाद है जो इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा। अगर दोबारा ममता जैसी उल्टा देश द्रोही, हिंदू द्रोही, धर्म द्रोही आ जाती है तो आज हिंदू नहीं जागा तो पुनः इन्हें मौका नहीं मिलेगा। जी सर, ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी तो विकास की बातें करके आई थी, विकास की बातें करी थी उन्होंने, पर अब बंगाल का कुछ यूं माहौल है कि वहां पर जो रोहिंग्या मुसलमान है वहां के
लोगों को धमकियां दे रहे हैं और ममता बनर्जी उन्हीं के समर्थन में खड़ी। इस्लाम के लिए कौन सा विकास, उनके लिए केवल विकास होता है बच्चों को बढ़ावा देना, बच्चों को पैदा करना, किसी दूसरे की धरती को छीन लेना। इन्होंने कई देशों में ये प्रयोग किया है। वो छोटे छोटे देश थे जो आज इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा भौगोलिक स्थिति था जिसके कारण नेहरू जैसे कुत्ते ने पाकिस्तान बनाया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को एक साथ इस्लामिक कंट्री में नहीं परिवर्तित किया जा सकता था। तो पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बनाने के रास्ते पे डाल दिया। यहाँ बहुत सारे कानून ऐसे लेके आया, जैसे सदायों को अलग किया, बुद्धिस्टों को अलग किया, जैनियों को अलग किया, अब वाल्मीकियों को अलग कर देंगे। ये हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मार देंगे। तो ममता बानो नहीं, ममता कुल्टा, ममता देश द्रोही। कई ऐसी वीडियोस निकल कर सामने आई है जिसमें देखा गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया गया है, पर उसके बावजूद ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। जय श्री राम बोलने से उनको दिक्कत हो रही है और बीजेपी तुष्टिकरण की। आप केवल 100-150 हिंदुओं की बात करते हो, बंगाल में लाखों हिंदू काट दिए गए जिनका कहीं नाम अता पता भी नहीं है, क्योंकि ममता बानो ने पुलिस के अंदर उन जिहादियों को घुसेड़ दिया है, सरकारी मशीनरी के अंदर उन जिहादियों को घुसेड़ दिया है जिनका षड्यंत्र है देश को खत्म कर देना, इस्लामिक राष्ट्र बना देना। तो वो जिहादी मानसिकता अपने काम में लगी हुई है। सर, ये सेक्युलरिज्म कैसा है? सेक्युलरिज्म है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी इमाम भट्टा दे रही हैं और दूसरी तरफ उनको जय श्री राम बोलने से दिक्कत हो रही है। अरे भाई, जय श्री राम बोलने से दिक्कत क्यों नहीं होगी? वो तो है ही मुसलमान, वो तो एक मुखौटा बना के आई हुई है। तो हम ये कब सोचेंगे कि वो मुसलमान है? आज उसकी गलती से, जैसे टूल किट्स आया, गलती से फेसबुक पे चला आया, दुनिया ने जान लिया कि ये पाकिस्तान का एक षड्यंत्र था। उसी तरह इनके षड्यंत्र खुद इनके मुंह से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आज भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो ये हिंदुस्तानी, मदन लाल हिंदुस्तानी का ऐलान है कि वह कुतिया कुतिया, यही शब्द देना, कुतिया मेरे पे मुकदमे बनवा, मैं 65-67 साल का हो चुका हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, ताकि कुछ हिंदुओं की आंखें तो खुदे। अरे कश्मीर के कारण कुछ जागे, बंगाल के कारण कुछ जागे, कुछ मेरे जैसों के मरने के कारण जागेंगे। ये जागते ही जब हैं, जब कोई इनका अपना मर जाता है। सर, ममता बनर्जी का ऐसा कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो बंगाल को बदनाम कर रही है और जो वहाँ पर विकास हो रहा है उससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है, इसको किस तरीके से देखते? बिल्कुल सत्य वचन है, बंगाल के विकास से ही मोदी जी को चिढ़ है, क्योंकि मोदी बंगाल का जो विकास हुआ है केवल रोहिंग्याओं का हुआ है, केवल मुसलमानों का हुआ है, हिंदुओं का तो वहां नरसंहार हुआ है। तो ऐसे विचारधारा के साथ बीजेपी कैसी खड़ी हो सकती है जिसका संबल ही हिंदुत्व है? आज बहुत सारे षड्यंत्रकारी इस हिंदू राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुत्व विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, यही इनकी मानसिकता है, यही इनका बार बार का प्रयोग है। तो उस प्रयोग से हर हिंदू को जागृत होना होगा, बचना होगा।